तो क्या हाल है आप सबके। आज मैं बात करने वाला उस मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जिनका वीडियो देखकर आप शेर के मुंह में मूत कर आओगे, इनसे इतना मोटिवेट हो जाओगे कि अपने प्रिंसिपल के गार्ड में थप्पड़ मार के तुम नंबर मांगोगे। आप इनसे इतना मोटिवेट हो जाओगे कि अपने स्कूल की पोछा मारने वाली आंटी से फ्लर्ट करोगे। एक बार के लिए संदीप महेश्वरी बोले, बेंचो तू ही अगले पहले इनसे मिलो। ये झाट भर के मोटिवेशनल स्पीकर AKA अल्फा सॉल्यूशन। इनसे अगर अल्फा का मतलब पूछ दिया जाए तो भोसड़ी के अल्फा का मतलब पता है, लेकिन फिर भी बेंचो लंड खाते रखते हैं अल्फा नाम। क्यों? क्योंकि सेक्सी लगता है ना। अजी घंटा, इन्होंने बहुत कुछ हका है, तो आओ यार कान में ईयरफोन्स डाल लो और चलो लेते हैं इनकी। माइंड कितना वेल फॉर्म्ड है ये नहीं देखा जाता, बल्कि हमारा माइंड कितना वेल फिल्ड है वो देखा जाता है। वाह, कितना मोटिवेशनल स्पीच दिया है। अब इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया है तो भाई पढ़ाई में तो पक्का टॉप करता होगा। खुद स्कूल में पीछे से टॉप कर कर दूसरे को ज्ञान चोदने वाले को 25 हस्त मैथुन की सलामी, वो भी मुंह पर। खुद तो भोसड़ी का 58% से पीछे से टॉप किया है और बेंचो दूसरे को ज्ञान चोद रहा है। ये तो वही बात हो गई, चौनी भैया सिखा रहे कि सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरों के लंड के बारे में बोलने से पहले भोसड़ी के पहले अपना देख लिया कर, पता नहीं है भी कि नहीं। इज मेकिंग यू वीकर एंड वीकर डे बाय डे। मतलब मास्टरबेट करोगे तो वीक हो जाओगे। वाह 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 वाह। अरे भाई के लिए खड़े होकर ताली बजाइए। अरे बजाइए। बैठ जाइए। अरे बैठे हैं भोसड़ी के। अरे वो बायोलॉजी के फेल हुए छोदे, कहाँ लिखा है कि मास्टरबेशन कोई वीक हो जाता है। अबे वो जो होता है वो टेम्प्ररी होता है, वो भी कुछ मिनटों के लिए। इतना हिलाने के पीछे नेट बर्बाद करने से अच्छा अगर कुछ पढ़ लेते तो इतना हकते नहीं। और आगे ज्ञान तो सुनो इनकी, क्योंकि porn is directly proportional to masturbation। ओ बेंचोर, ऐसा नॉलेज किसके गांड से निकाला था भाई? क्योंकि ऐसा नॉलेज तो किसी के हगे हुए गांड से ही निकलता है, तुम्हें पक्का वहीं से निकाला होगा। और एक बात बताओ, किस किताब में लिखा है कि porn is directly proportional to masturbation? नहीं नहीं मुझे जानना ये किस किताब में लिखा है, क्योंकि भाई हमने भी पढ़ा है 10th तक, मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। अरे कम से कम ऐसा कुछ बोलो जो लॉजिक भी करे। कुछ भी नहीं बोला जाता है, मतलब कहीं का भी लॉजिक कहीं भी लगा रहा है, चाहे उसकी गांड ही क्यों ना मरा जाए। इस हिसाब से तो फिर टेकिंग बाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेटिंग अ बोनर, राइडिंग अ बाइक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बवासीर। मतलब कुछ भी बोलना है। लोग लॉकडाउन में पागल होते जाते हैं और ये महाचूतिया होते जाते हैं, यही नतीजा होता है क्लास के टाइम गांजा फूकने का। बल्कि जब तक गांजा पूरे गांड में घुसा के मुंह से धुआं नहीं छोड़ देते तब तक रस्म पूरी नहीं होती इनकी। और कोई गलती से इन्हें समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन्हें लंड फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई समझा रहा है तो वो जयमात चौदह है, हम यहाँ खाएंगे हिलाएंगे और सो जाएंगे। बट इनकी भी क्या गलती है, जो इंसान स्कूल में पूरे साल गांजा पूरे गांड में घुसा के फूका हो वो तो ऐसा ही आंसर करेगा। मेरे को तो लगता है जब हगने में बैठता हो तो पूरे गांजा निकलता हुआ गांड से। एंड इतना वीक हो जाओगे, कल को तो तुम्हारी माँ बहन को कोई छेड़ रहा होगा ना, तो बचाने नहीं जा पाओगे, कोई थप्पड़ मार देगा तो गिर जाओगे। क्या फायदा इस पॉन का भाई। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। देखिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि आपको एक बार में हो जाता फिर आप उठ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। सॉरी भाई मेरे को पता नहीं था। देखिए प्रॉब्लम शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाकर सबको बताना, इसमें आप ही का बेइज्जती होगा, हम लोग को तो मजे आएंगे भाई। देखो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा इनका। हमने भी यूट्यूब चलाया, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि 2 या 3 बार नहीं करना चाहिए। हमने भी यूट्यूब चलाया भाई, ऐसा नहीं तो तुम्हारे पास ही यूट्यूब है। इसलिए बोलता हूँ कान में मूठ नहीं मारना चाहिए। अब देख लो नतीजा, कान में मूठ मार लिया, सुनाई दे नहीं रहा है इसको। लेकिन फ्री एडवाइस किसको सुनना है। और भोसड़ी कॉन्फिडेंस तो देखो इसकी, कॉन्फिडेंस वैसे कि साला खुद पर एक बार डाउट हो जाए। Nothing. अगर कोई मेंटली इल हो जाएगा तो उसका सोसाइटी कैसा होगा, उसका वो देश कैसा होगा, उसका वर्ल्ड कैसा होगा। हाँ लोग तो तुम्हारे इतना चूतिया होंगे ना, चुपचाप उससे गाड़ मरवाते रहेंगे, और तुम तो वो इंसान हो जो बड़े ही शौक से मरवाएगा। कोई पागल है तो लोग उसको पागल ही समझेंगे, कोई सुपरमैन नहीं समझेंगे कि हर कोई अपना गाड़ देकर बोलेगा कि लो मार लो। इनकी लॉजिकल इतनी ही लॉजिकल है जितनी साउथ इंडियन मूवी में फिजिक्स। मार चूती पड़ी है दोनों की। इफ यू आर obese,
यू आर परफेक्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट व्हेन यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा वो सोचिए, खुद तो जिम जाकर बॉडी बना रहे हो और दूसरे को पॉजिटिविटी का ज्ञान छोड़ रहे हो। अबे सोच समझ कर तो बोला कर। भोसड़ी के हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन बेंचो तुम तो उसी में मुत रहे हो। और अगर इसकी बॉडी की बात करें तो 80% से ज्यादा उसके अंदर फैट भरा हुआ है और 20% मस्कुलर है, जो कि 15 साल का बच्चा हिलाकर बना लेता है। ये वही लोग हैं जिम जाकर पहला दिन फोटो खिंचाने का रस्म करते हैं और फोटो तो ऐसे खींचते हैं कि बोले कितना ही बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया हो, चाहे माल न्यूट्रिशन का हड्डी क्यों ना दिख रहा हो या फूली हुई तोंद, लेकिन फोटो तो भाई खिंचाना है, शो ऑफ करना है। लेकिन ये लोग यही नहीं रुकते हैं, इंस्टाग्राम पर छोटे से लेकर बड़े सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही पोस्ट डालेंगे और पोस्ट डाल के कैप्शन तो ऐसे डालेंगे जैसे स्वयं रॉक हो। एंड आखिर ये इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? तो दे आर अगेन ऑल दोस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा खुद तो वीडियो के इंट्रो में इन्फ्लुएंसर का टैग लगा रखे हो और दूसरे इन्फ्लुएंसर के बारे में हग रहे हो। ये कब कहाँ हग रहे हैं, कुछ होश नहीं रहता, बस गांड में जुआ है वो हगते गए और डालो गांड में गांजा। खैर अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, प्लीज सीरियसली ना ले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। आई होप यू एंजॉयड दिस। हैव अ नाइस डे, बाय।